हेलो एवरीवन दिस वन इज द न्यू चैप्टर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो प्रीवियस दो चैप्टर्स हो ही चुके थे सो दिस वन इज़ द चैप्टर थ्री ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो चलते हैं आगे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे मैं कल नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ द रीज़न इस चैप्टर अभी कोई छोटा मोटा चैप्टर तो है नहीं और थोड़ा सा तो टाइम लगता है इसके बारे में रिफाइन करने के लिए सो डोंट वरी एवरी थिंग इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द चैप्टर हो सकता है दो तो दिन लेट हो सकता है बट नॉट ए प्रॉब्लम आपके लिए प्रोवाइड मैं कर दूंगा

hence it protects accidental fire so it keeps immersed in the kerosene oil okay this comes the second question explain the meaning of malleable and ductility see the properties of the metals and non-metals are also going to be given don't worry everything is going to be clear in this chapter

बेसिकली आप जैसे गोल्ड को देखो तो गोल्ड क्या होता है वो प्योरेस्ट सब्सटेंस है 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट गोल्ड से आप कभी भी ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते यू कॉन्ट एबल टू मेक द ऑर्नामेंट्स फ्रॉम दिस तो बेसिकली हमको उसको स्ट्रेंथ देने के लिए उसको थोड़ा सा आ, एक, मैं, एक 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 पार्ट बनाने के लिए उसको ताकि हम उसको जो है किसी भी शेप में ढाल सकें इस चक्कर में हम लोगों को एलोई बनाना पड़ता है उसमें हमको कोई दूसरा मेटल मिक्स करना पड़ता है That's why जो, सोना होता है, जो गोल्ड होता है वो कैरे में आता है कोई फोर्टीन कैरेट होगा कोई एटीन कैरेट होगा कोई ट्वेंटी टू कैरेट होगा सो so, इस तरीके से गोल्ड होता है अच्छा सो नेक्स्टर इज यूजर टैंक नॉट स्टील बिकॉज इलेक्ट्रिकल कंडेक्टिविटी ऑफ मेटल इज डिक्रीज इट इज एलॉयड विद एनी अदर मेटल अब स्टील क्या है स्टील है, क्या है? हुँ? तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो चुकी है डिक्रीज हो चुकी है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टील की बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू प्योर कॉपर सो कॉपर का यूज किया जाता है हॉट वाटर टैंक्स और स्टील का नहीं किया जाता अच्छा डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल देखो मैंने इसमें इसलिए लिखा है रिफर टू एनी बुक एटलीस्ट फाइव डिफरेंस कोई भी बुक पढ़ो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स केवल फाइव डिफरेंसेस आपको याद करने ही करने हैं ओके तो नेक्स्ट वन हम लोग आ जाते हैं कि प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर में ज्वेलरी बनाने में क्यों यूज किया जाता है सीधी सी बात है इनको नोबल मेटल कहते हैं हैं क्यों क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं और इनका रिएक्शन होता भी नहीं है एयर वाटर और केमिकल इन सब में रिएक्शन नहीं होता ठीक है एक्वारजिया एक तरह का सब्सटेंस है जिसमें एस सी एल और एच एन ओ थ्री का मिक्सचर किया जाता है वो एक वो एक रस्टिंग क्रिएट करता है उससे तो इसको कुछ फर्क पड़ता है ब्लैक हो सकता है इनकी ज्वेलरी लेकिन हाँ और चीजों से ऐसा नहीं हो सकता जो भड़काऊ आजकल के जो मेटल्स uh, होते हैं जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे uh, टाइप के ऑर्नामेंट्स आते हैं जिनकी चमक बहुत ज्यादा होती है लेकिन उनमें हल्कापन होता है एक्चुअली वो एक्वारजिया से साफ किए हुए होते हैं वो क्या करते हैं वो एक्चुअली काम ही यही करते हैं कि एक्वारजिया बाय द हेल्प ऑफ वो गोल्ड की डेंसिटी को क्या कर देते हैं कम कर देते हैं और उसमें चमक ला देते हैं ठीक है खैर लेकिन ये जो है, और और जो, तो जो है 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 और और नहीं नहीं होते इसलिए इनको के के लिए किया जाएगा तो तो लोग लोहे ना प्लास्टिक ना बनवाना हो ठीक आयरन को मतलब जो है help कर, मतलब help नहीं करता मतलब उससे रोकता है का मतलब होता है किसी ऐसे सब्सटेंस की ऊपर चढ़ा देना जिसका बाहर जो दूसरा जिसके ऊपर हम चढ़ा रहे हैं, उससे रिएक्शन हो सके जैसे आयरन होता है ना तो आयरन में कोरोजन बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि वो मॉइस्चर से अट्रैक्ट होकर एयर की प्रेजेंस में दुनिया भर का कोरोजन फॉर्म कर लेता है लेकिन अगर हम उसकी तरफ जिंक की जिंक की प्लेटिंग कर दें तो क्या होता है कि जो जिंक होती है वो आयरन के साथ ऑक्साइड की लेयर जो होती है वो उसे आयरन के ऊपर जमने नहीं देती और इस वजह से वो प्लेटिंग बीच में होने की वजह से गैलवेनाइजेशन का एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग प्लेटिंग चढ़ाने को कहते हैं इस वजह से क्या होता है कि हम बच जाते हैं मीन्स हम क्या लोहा जो होता है वो बच जाता है नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कोरोजन देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट तो ये भी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी है तो कोरोजन मेटल का हमेशा क्योंकि मेटल को धीरे धीरे खाता रहता है लेकिन जो कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम है वो यूजफुल है एज ए लेम ऑक्साइड क्यों क्योंकि वो एक बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन गेट डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल बिकॉज इट क्रिएट अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन द सर्फेस एंड प्रीवेंट द अटैक ऑफ वाटर एयर एसिड एंड एल्कलाई तो वाटर एयर और एसिड और एल्कलाई से बच जाता है क्यों क्योंकि उसके ऊपर एक जो लेयर बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है एल्यूमिनियम ऑक्साइड मोस्टली याद रखना कि जो मेटल्स होते हैं कोरोजन का रिजल्ट हार्मफुल वाला हम लोग याद करते हैं। मतलब, आ, हमेशा वाला याद करते हैं मतलब हमेशा हार्मफुल वाला वाला लेकिन यूजफुल कभी भी नहीं याद करते चलो सकते हैं। कि एक मेटल एम है बर्निंग की जाती है तो उससे और वो व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है ट्वेंटी ट्वेंटी में पूछा गया था अब आपको बताना है क्या

करी रहा है देख लो एम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन कहीं भी बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन ही तो कर रहा है। and added to metal, M and Mo2 माली आलू जरा फीका पकाता है हाई से लो अब बचा क्या कॉपर बचा तो कॉपर से लेकर प्लेटिनम कॉपर के बीच में एच जी आएगा मरकरी कॉपर के बाद एच जी एच जी के बाद सिल्वर 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 के 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 बाद gold, और gold के बाद तो copper, mercury, mercury के बाद गोल्ड 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 और तो तो कॉपर आपका आ आ जाएगा फिर आ जाएगा हो जाएगा फिर हो तो इस तरीके से आप किसी भी चीज की रिएक्टिविटी सीरीज को क्या कर सकते हो याद कर सकते हो अच्छा अब इस बार मैंने कुछ फिल्टर किया हुआ है जैसे कि एक्सेप्शन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तो एक्सेप्शन के रूप में मैंने ऐसा किया है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के एक को मैंने एकदम अलग कर दिया जैसे, अगर मैं मेटल की बात करूं तो कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड रूम टेम्परेचर है जाहिर सी बात है मरकरी कौन सा मोस्ट मैलिएबल मेटल है तो आपके पास है गोल्ड और सिल्वर इसको आसानी से पीट सकते हैं ठीक है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन है तो भाई एक लीड हो गया और एक मर्करी हो गया हम्म कौन सा ऐसा मेटल है जो हम आसानी से नाइफ से काट सकते हैं तो सोडियम पोटेशियम लिथियम ऐसा कौन सा मे, मे, मेटल है जो मेलियबल भी नहीं है और डक्टाइल भी नहीं है यानी कि जिंक क्योंकि हम इसको पीट कर ना वायर बना सकते हैं ना तीन सीड बना सकते हैं टूट जाता है लो मेल्टिंग पॉइंट किस मेटल की होती गैलियम और कैल्सियम की अच्छा इसके अलावा एक मोस्ट एबेंडेंट इन अर्थ क्रस्ट में बहुत एबेंडेंट बहुत, बहुत ज्यादा तादाद में पाया जाता तो ये है एल्यूमिनियम अच्छा रिएक्ट विद एच एन ओ थ्री कौन एच एन ओ थ्री के साथ रिएक्ट करता है एक मैगनीज होता है एक मैग्नीशियम हो गया ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते जैसे कि गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम लीड एंड कॉपर क्योंकि ये एक तो पहली बात गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम जो नोबल मेटल है और लीड एंड कॉपर भी एक्स्ट्रा उसमें आ गया इट रिएक्ट विद स्टीम ओनली तो भाई एल्यूमिनियम आयरन और जिंक इट डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर चाहे वो हाई टेम्परेचर तो भाई एक ही चीज़ हो सकती है नोबल मेटल ही हो सकते हैं गोल्ड प्लेटिनम और सिल्वर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाइट गोल्ड प्लेटिनम हो गया इट इज टॉक्सिक इन नेचर भाई देखो टॉक्सिक तो होंगे तो कई कुछ ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक भी होते हैं जैसे कि मरकरी ये लाइटेस्ट मेटल है बैटरी में यूज किया जाता है प्लेन और मेडिसिन के ट्रीटमेंट मीन ट्रीटमेंट मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर के लिए यूज किया जाता है तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आपके पास आए तो आप आंसर लिखोगे लिथियम अच्छा इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो आपके पास आ जाएगा सिल्वर और इट इज द नॉन रिएक्टिव एलिमेंट तो आपके पास point, मतलब, तो tungsten, titanium, तो metal, आ जाएगा गोल्ड अच्छा इट है कि मेटल कौन कौन से होते हैं ठीक है बच्चों तो अब आते हैं नॉन मेटल पे तो नॉन मेटल की बात करें तो इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर सीधी सी बात है ब्रोमीन

जो मेटल्स होते हैं जैसे कि सल्फर हो गया येलो कलर का होता है फॉस्फोरस वाइट या रेड कलर का होगा ग्रेफाइट ब्लैक कलर का होगा फ्लोरीन लाइट येलो होगा क्लोरीन येल्लो इज ग्रीन होगा ब्रोमीन रेड इज ब्राउन होगा आयोडीन डीप वायलेट होगा इस तरीके के भी आपको मेटल्स के कलर्स मिल जाएंगे अच्छा अब अब जैसे अ, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी होते हैं और कुछ फिनोमिनल बेस्ड भी होते हैं तो इस बार मैंने फिनोमिनल बेस्ड भी क्वेश्चन रखे हुए हैं जैसे कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इन्सॉल्यूबल इन वाटर बट सम ऑफ देम डिजोल्व इन वाटर वॉट आर दीज ऑक्साइड एंड दी आर सोल्यूशन इन द वॉटर कॉल तो सोल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं वॉटर मेंई ठीक है एल्कालाई का मतलब जो सल्यूशन ऑफ वाटर के साथ बना दे यानी कि मिक्स हो जाए जैसे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड का मतलब ही हुआ हाइड्रोहाइड्रोमीस वाटर वाटर के बाद मिल रहे तो हो गया सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ही हो गया पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड कुछ नेम्स बताओ सिंबल के जो आप प्रेजेंट होते हैं जैसे कि ब्रास होता है ये एक लॉय है किसका कॉपर और जिंक के मिक्सचर का ब्रॉन्ज क्या होता है कॉपर और टीक के मिक्सचर का हो गया सोल्डर जिससे हम लोग सोल्डिंग करते हैं है, है जिसको हिंदी में कहते हैं उसको कहते हैं लीड और टीन अच्छा व्हाट डू यू मीन बाई दिनेबार सिनेबार को दूसरे नाम से जाना जाता है एच अच्छा याद होगा आपको प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रॉल कई लोगों ने आंसर दिया एंड थैंक्स फॉर द स्टूडेंट्स गिव मी द आंसर स्पेशली स्पेशियलीस एंड ऑफ द गर्ल ऑल्सो कृतिका एंड वन ऑफ द गर्ल आस्था दे गिव द आंसर सो थैंक यू फॉर दिस गाइज एंड दे ऑलरेडी वॉच माई वीडियोज सो इट्स ग्रेट जॉब

नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है कि कौन सी केमिकल इक्वेशन रिएक्शन टेक प्लेस होगी जब हम स्टीम को एलुमिनियम से पास कराएंगे देखो मैंने तुमसे बताया था कि एलुमिनियम हॉट होता है वो स्टीम के थ्रू मीन हॉट स्टीम पे जो है, uh, हो जाता है। तो मिक्स प्लस जाता टू ओ ग्स ए एल टू ओ थ्री प्लस थ्री एच टू एलुमिनियम प्लस एस टू गि एल टू ओ थ्री प्लस एस टू ऑक्साइड बना देगा ठीक है भाई आप कुछ ओरस के अच्छा अब आप कुछ ओर्स के बारे में बता दे रहे आप लोगों को कि जो एक्चुअली हम लोगों को मिलते हैं उन ओर्स में हैं पहला एलुमिनियम के जो थ्री ओर्स हैं कभी आ जाए तो इसके बारे में आप याद रख लो बॉक्साइड का एक और होता है बॉक्साइड नेम से होता है एलुमिनियम का और हाइड्रेट एलुमिनियम ऑक्साइड ए एल टू थ्री इन टू एस टू दूसरा नेम आता है क्रायोलाइट जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम एलुमिनियम फ्लोराइड इनमें तीन चीजों का मिक्सर होता है एन ओ थ्री एल एफ सिक्स अच्छा कॉरेंडम होता है कॉरेंडम क्या होता है एनहाइड्रस अल्मोनियम ऑक्साइड एल टू ओ थ्री जो मैक्सिमम मिलता है जिंक के बारे में करें तो जिंक ब्लेंड हो गया जिंक सल्फाइड से उसका नाम होता है जेडन एस कैलमाइन जिंक कार्बोनेट जिसको कहते हैं जेडन सी ओ थ्री इसको भी तोड़ा जाता है रोस्टिंग ओस्टिंग और कैल्सियनसा इन सब चीज़ों से टूटते हैं सब जिंकेट जिंकेट जिंक ऑक्साइड और जेडनो बनता है तो डायरेक्टली हम लोग को और ऑक्साइड को हटा दिया जिंक आ गया भाई देखो जेडनो प्लस सी कर देंगे तो कॉप का, कार्बन वो क्या करेगा कोक क्या करेगा सी ओ बना देगा कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड और जेडन अलग हो जाएगा खैर आयरन के बारे में बात करते हैं तो आयरन में आयरन ऑक्साइड के नाम से भी आता है आयरन सल्फाइड एफ एस टू एन स्पैथिक आयरन और आयरन कार्बोनेट सेकेंड कार्बोनेट एफ सी ओ थ्री तो इसमें कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकलेगी ठीक है अब अभी बचा हुआ जो पार्ट था उसके बारे में भी बात करते हैं जो है हमारा मेटलर्जी तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा और ये वीडियो थोड़ा लंबा तो जा रहा है सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है कंसेंट्रेशन ऑफ ओर तो कंसेंट्रेशन ऑफ ओर कैसे किया जाता है इसका पहला पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है इस प्रोसेस में हम मैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से अलग कर देते हैं दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक और फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक गैंग और हमको इनसे मतलब नहीं होता हमको मतलब है इससे इससे मतलब है तो केवल हम लोग यही चीज़ यूज़ करेंगे इसी को हम लोगों को अलग करना है और मैग्नेटिक गैंग फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक और ओर मैग्नेटिक गैंग को किससे हम लोग नॉन मैग्नेटिक और ओर से हम लोग क्या करते हैं इसको अलग कर देते हैं सेकेंड पार्ट होता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इट इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ ओर फ्रॉथ फ्लोटेशन क्या होता है कि हम लोगों को झाग बनाना होता है झाग में जो हल्के सब्सटेंस होते हैं वो ऊपर आते हैं और रिफाइंड हो जाते हैं मतलब उसको सेपरेट कर देते हो बचा हुआ जो पार्ट होता है वो सेटल डाउन हो जाता है इट द सेपरेशन ऑफ एंड गैंग बाय प्रेफरेंशियल वेटिंग ऑफ द दर बाय ऑयल और ऑयल उसमें मिक्स करते तभी उसमें फ्रोथ बनता है विच फॉर्म द फॉर्म एनहेंस फ्लोट ऑन द टॉप वेन वाटर ऑयल मिक्सचर एजीडेड विद द कंप्रेस्ड एयर और तेजी से उसमें गैस डालते हैं हवा तेजी से पुश करते हैं ताकि उनके अंदर बुलबुले उठे और बुलबुले से क्या हो जाए फ्रॉथ फॉर्मेशन हो जाए इससे इसका रिलेटेड आपको जो है जो अभी इससे रिलेटेड जो फिगर है वो आपके सामने है जो, ओके थर्ड पार्ट जो है ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक मेथड है इस हाइड्रोलिक मेथड में क्या होता है कि एक तरह का एक एलियडिकलीन टाइप का पार्ट होता है ऊपर से हम लोगों को इसका मेथड यूज करके डालना पड़ता है मीनस उसका जो लिक्विड होता है उसको डालना पड़ता है और वो जगह जगह पर छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं वहां पर वो रुकता चला जाता है और बचा हुआ लिक्विड पार्टिकल है वो बाहर बाहर से जाता है हाइड्रोलिंग मेथड इज यूज टू ओर एंड गैंग विच हैज डिफरेंट डेंसिटी अडिंग टू डिफरेंट डेंसिटी द डेंसर ओर पार्टिकल सेटल इन द ग्रुप्स छोटे छोटे गड्ढों में भर जाता है वाइब्रेटिंग स्लो वाइल द लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर वॉश ड्राउंड बाई द हेल्प ऑफ द वॉटर वो बाहर बह, बह जाते हैं केमिकल मेथड केमिकल मेथड और लीचिंग ये वन एक ऐसा मेथड है जो कि ट्रीट किया जाता है किसी रिएजेंट से और ओर से और इसको क्या होता है इसमें सोल्यूबल किया जाता है इम्प्योरिटीज होती है वो इनसोल्यूबल होती है इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया जाता है फिल्ट्रेशन के थ्रू और जो सोल्यूशन होता है ओर का वो फिल्टर करता है इसको और बाहर क्या कर देता है प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है ओर का ठीक उस प्रेसिपिटेट को हम लोग बाहर से रिमूवली निकाल लेते हैं और निकालने निकाल लेते हैं और निकालने के बाद हम लोग उसको प्रेसिपिटेट बनाकर बाहर अलग कर लेते हैं ओके इसका भी आपके सामने एक फोटो आई तो तो कन्वर्जन ऑफ सेकेंड पार्ट होता है कि अभी हम जो हमने निकाला है उनको ऑक्साइड पे कैसे कन्वर्ट करना है तो इसके दो प्रोसेस होते हैं पहला प्रोसेस होता है रोस्टिंग रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर दिया जाता है और उसमें क्या होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है इसमें ऑक्साइड जो होता है वो ऑक्साइड फॉर्म करता है जो भी मेटल होता है और मेटल जब ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा फिर उसको अलग किया जाएगा तो बट ऑलवेज इट इन सो दैट इट इज जनरली यूज इन द सल्फाइड और जिनमें सल्फाइड होता है ताकि सल्फर अलग हो जाए और बनाकर निकल जाए इस रूप में क्या करते हैं ये बाहर निकल जाते हैं आता है कैल्सिनेशन प्रोसेस इस प्रोसेस पे जो ओर होता है वो हीट किया जाता है लेकिन ऑफ एयर में जैसे कि एरोबिक और एने की बात कर लो इसमें जो टेम्परेचर होता है वो बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट रखा जाता है ताकि जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज है वो क्या हो जाए वहां से रिमूव हो जाए और इट इज जनरली यूज फॉर कार्बोनेटेड और जिसमें जेडन जैसे जेडन सीओ थ्री तो इसमें क्या होगा जेडन ओ प्लस सीओ टू बाहर निकल जाएगी मॉइस्चर ऑर्गेनिक सबस्टेंस उसे क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं प्रोसेस आता है उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस ये तीन तरीके का होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन केमिकल रिडक्शन एंड थर्मल रिडक्शन तो पहला रिडक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इट इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिस ऑफ फ्यूज सॉल्ट जो भी साल्ट हमको मिले उसमें इलेक्ट्रोलिसिस करानी पड़ती है पार्ट आपका आता है केमिकल रिडक्शन इसमें इन्वॉल्व करते हैं एक्सट्रैक्शन बाय रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कोक सीओ एंड एस टू यहाँ पर जैसे जैसे मैंने बताया था जेड एनओ प्लस सी क्या करते हैं जेड एनओ प्लस सी में जेड एन प्लस सीओ निकल जाता है अलग और जेड एन अलग से अ, हम लोग सेपरेट कर लेते हैं तो हम लोगों का जो होता है वो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन ये इन्वॉल्व होता है हीटिंग ऑफ ऑक्साइड और लिविंग मेटलर्जी रेसिड्यू जैसे कि Fe2O3 है उसमें एल्युमिनियम मैंने मैंने मिला दिया तो एल्युमिनियम क्या करेगा हीट कराएगा और उसमें एफ को अलग कर देगा और बाकी की जो पार्ट होती है वो हीट के रूप में बाहर निकल जाती है पार्ट आता है रिफाइनिंग ऑफ द मेटल रिफाइनिंग ऑफ द मेटल क्या होता है इसमें हमें प्योरिफिकेशन इससे ही हम लोग प्योर मेटल निकालते हैं पहला पार्ट डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन में क्या होता है जो भी मरकरी और जिंक जैसे मेटल होते हैं वोलेटाइल होते हैं गर्म होने पर ये क्या होते हैं भाप बन उड़ने लगते हैं उनको हम लोग अलग निकाल लेते हैं जो नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज होती है वो पीछे छूट जाती है

एट द द द द एनोड थिन ऑफ प्योर मेटल इज मेड इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं इसमें एक पार्ट आता है वो इम्प्योर मेटल होता है एक पार्ट होता है उसमें प्योर होता है जब भी कभी इलेक्ट्रोलिसिस और करंट उससे पास कराते हैं तो जो इम्प्योर मेटल का पार्ट होता है उसमें मेटल निकलकर और जो सॉल्ट होता है वो भी उसी मेटल का ही होना चाहिए जैसे कॉपर है तो कॉपर सल्फेट रखोगे ठीक है तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सॉल्ट का सोल्यूशन होता है और उससे वो क्या होता है बहते हुए दूसरे प्योर मेटल के ऊपर जाकर जम जाता है और उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं जो बचा हुआ इम्प्योर पार्ट होता है उसको अलग हटा देते हैं प्योर मेटल डिपोजिट एट कैथोड और इम्प्योर सेटल डाउन फॉर्मिंग एज़ और बाकी का पार्ट क्या होता है मड की तरह नीचे बैठ जाता है तो ये पार्ट हो गया इलेक्ट्रोडेटिक रिफाइनिंग की। आप लोगों को मैंने इतना से पार्ट आज बताया है ये सारी की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा इसका जो फ्लो चार्ट है जो इसका एक फ्लो चार्ट है का, मेटलर्जी का इसका फ्लो चार्ट मैं लास्ट में भी दिए दे रहा हूं इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा और बहरहाल आप लोगों के लिए एक अच्छी बात ये है कि आप लोगों को क्या करना है कि इनको जो है अपने आप से रिवाइज कर लेना केवल इस पे ही बेस्ड नहीं हो जाना है कुछ चीजें हैं वो अपने हार्ड वर्क पे भी रखना है और आप जितना हो सके अपने दिमाग से जहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हो, वो क्वेश्चन आप अपने माइंड से फ्रेम करो एंड आई होप सो योर मार्क्स विल गोइंग टू बी सो गुड एंड यू विल गेट द गुड मार्क्स देयर ओके सो थैंक यू थैंक्स अ लॉट एंड एंजॉय द मोमेंट एंड ऑल्सो लर्न विद हार्ट ओके तो नेक्स्ट पार्ट हो सकता है कि एक दिन बाद आए लेकिन डोंट वरी वो जो नेक्स्ट uh, चैप्टर है वह एक दिन बाद भी अगर आ गया तो आपको फुल चीज प्रोवाइड कराऊंगा मैं ओके थैंक यू लाइक शेयर सब्सक्राइब वट एवर यू हैव एंड शेयर इट सो दैट अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो गेट दिस टाइप ऑफ द इन्फॉर्मेशन थैंक यू दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंटें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके गुड बाय टेक केयर